जी मेरा फर्स्ट बेस्ट एवर 10.79 फर्स्ट एवर सब 11 थी है मेरी. इससे पहले मेरा 11.01 आया था दिल्ली स्टेट के अंदर ही कुछ वीक्स पहले. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ कि लाइक फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर मैं 10 के अंदर घुस गया. बचपन से एक्चुअली पापा ने फोर्स करा था मेरे को एथलेटिक्स के अंदर. उनको भागना बहुत पसंद था लाइक, बट वो लाइफ में नहीं कर पाए थे तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवाया था. कॉम्पिटिटिव मैं 2021 में से खेल रहा हूँ. 2021 के अंदर मेरा फर्स्ट एवर मेडल लगा था दिल्ली स्टेट के अंदर ब्रोंज. और उसके बाद से ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुई है मेरी. हर स्टेट के अंदर आई हैव एटलीस्ट बीन इन द पोडियम. ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड फाइनल नॉर्थ इंडिया के अंदर भी मेरा सेकेंड एक्चुअली गोल्ड है. इससे पहले मैं अंडर 18 में था, उसमें भी गोल्ड था मेरा. बस यही है. हीट के अंदर आई वॉज सेकेंड. 11.09 वॉज माई टाइमिंग. आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट. बट अभी जब मैंने मैं जब गया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, सब अपने 100% ला रहे हैं, इट्स अ वॉर. और जो वहाँ पर फोल्ड हो गया प्रेशर के अंदर ही लूजेस. तो मैं यही सोच के भागा था कि प्रेशर नहीं लेना, अपना बेस्ट करना है. प्लस होम ग्राउंड था तो मेरे को उसका एडवांटेज था. सब जानने वाले थे, सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि हाँ तू अच्छा करेगा. तो अच्छा एक्चुअली हुआ भी, होम ग्राउंड का फ़ायदा था बस. एक्चुअली फादर ने करा था, बट इन 2021 मई के अंदर कोविड के अंदर ही पास हुए. तो मैंने उनकी बस उनके लिए मैं कर रहा हूँ अभी. मेरे को बहुत लगाव था पापा से, तो बस उनके लिए कर रहा हूँ मैं. बाकी मेरी स्टार्टिंग आप मानो 5-6 ईयर्स में हुई थी. बट 11 जब मैं शायद 11 ईयर्स का था, मैं उस टाइम पे आई ब्रोक माई टेबल बोन एंकल की. उसके बाद से मैंने जैसी रिकवरी करी देन आई वॉज कि हाँ अब तो करना है कुछ बस. मेरे एक्चुअली पूरी सर्जरी हुई थी उसके अंदर. डिसॉल्वेबल आपके वायर आपको पता होगी, अगर तो जिसको पता होगी वो इंस्टॉल हुई थी अंदर. अब तो डिसॉल्व हो गई होगी, बट हाँ मेरे को अभी फील नहीं होता कि मेरे को कोई है अंदर. मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, बहुत मेहनत लगी थी इसके अंदर भी. घर पे कौन कौन है आपका? मेरी बड़ी बहन है दो और मम्मी है. बहनें जो हैं वो काफ़ी एज का डिफरेंस है मेरे और उसमें. 30 एंड 1 इज़ 30 एंड 1 इज़ 28 एंड आई एम 18. तो उनका सपोर्ट बहुत रहता है बहनों का. बड़ी हैं तो सब समझाती रहती हैं. वन इज़ अ डॉक्टर तो मेरे को यही रहता है कि कौन सी दवाई लेनी है और कैसे अपने आप को करना है, सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन, कार्ब्स. तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहता है मेरे को. हाँ तो 100 मीटर का एक्चुअली क्या है, इंडिया के अंदर कभी कल्चर नहीं था. हमारे साथ जब मिल्खा सिंह दौड़ते थे तो उनके टाइम से हमारा 400 का एक कल्चर था कि दे वर गोइंग 45 वे बैक व्हेन नो वन वॉज. 100 मीटर के अंदर इतना हमारे पास कल्चर नहीं था, बट ग्रेजुअली वी आर प्रोग्रेसिंग. अब 10-2 के अंदर तो हम काफ़ी सारे हैं. आमिर मलिक, गुरविंदर सिंह और फिर आपका क्या बोलते हैं अनिमेश कुजूर भी अभी गए थे. तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रही है हमें उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, बट अभी टाइम लगेगा. विद इन अंडर 10 सेकेंड हमें अभी टाइम लगेगा. बट कल्चर जैसे जैसे बढ़ रहा है एथलेटिक्स का, वैसे वैसे प्रोग्रेशन भी बढ़ रही है. आपका फेवरेट इवेंट कौन सा? 100 मीटर, 200 मीटर? 100 मीटर. फ्यूचर 100 मीटर? जी बिल्कुल. और कभी अगर कम्पीट करने का मिला तो 60 मीटर्स भी इंडोर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को. एंड हम मिल्खा सिंह सर थे, मैं उनके एक्चुअली जब मैंने स्ट्रगल्स देखे, जो भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ था. मेरे को उनके स्ट्रगल एक्चुअली होता है ना कि दूसरों के दर्द देख लो तो अपने कम लगते हैं, तो वो वाला सीन मेरे साथ था. पहले मैं कोचता था कि कल चढ़नी है, मेरे को एक घंटा आना जाना करना पड़ता है, 2 आवर्स की ट्रैवलिंग है मेरी. बट जैसे मैंने वो देखी मेरे को था कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत फैसिलिटीज हैं इस टाइम पे उनके टाइम से. तो वो बहुत बड़े आइडल है मेरे. एज एन एथलीट मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि मेरे को अभी कंसिस्टेंट सब 10 सब 11 रनर बनना है. फर्स्ट एवर थी मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट में 10 के अंदर और टाइमिंग्स दूँ. ग्रेजुअली वो भी नीचे आएगी और उसके बाद फिर मेरा एम है कि जूनियर से स्टार्ट करके एशियन में कॉमनवेल्थ एंड फाइनली ओलंपिक्स, सबका टारगेट वही रहता है. अब देखते हम कहाँ तक पहुँचते हैं. जी बिल्कुल. उनके एक्चुअली स्ट्रगल्स मैंने देखे, उनकी लाइफ जो थी ना वो एक्चुअली मेरे लिए इंस्पायरिंग थी. उनका चाहे इवेंट अलग था बट उनके जो स्ट्रगल, वही मैंने जैसे आपको बताया कि इतना उनके टाइम पे बिल्कुल नहीं था. उन्होंने तब भी अपना इंडिया वर्ल्ड वाइड नाम बनाया, तो हम भी कर सकते हैं. ये चीज थी मेरे को जो इंस्पायर करी थी. तो मेरे को यूसेन बोल्ट तो ऑफकोर्स सबका ही आइडल है, उनसे तो पूछो मत. बट मेरे को गैटलिन बहुत अच्छे लगते थे. मेरे को जो स्टार्ट नहीं आता क्रिश्चियन कोलमैन, एक्चुअली क्रिश्चियन कोलमैन वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को. कोलमैन जैसा स्टार्ट मैं भी करना चाह रहा हूँ. एक्चुअली मेरा भी मेन जो है, मेरी पुल इतनी अच्छी नहीं है, मेरा स्टार्ट बहुत अच्छा है. तो मैं स्टार्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्रिश्चियन कोलमैन से. टोल ड्रैग जो करते हैं, फर्स्ट 4 स्टेप्स उनके जो लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मूथ.
बिप नंबर 390 लेन्स ड्यू के अंदर एक्चुअली एथलेटिक्स का कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि वो टॉप 10 में आती है या फिर टॉप में आती है, बट जैसे जैसे बच्चे दिल्ली के और बाहर के जैसे आते हैं ड्यू के अंदर, तो उनको लाइक बढ़ावा देने के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं केएमसी के अंदर हूँ, बहुत ज्यादा आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं एथलीट्स के साथ, उनकी मतलब आपको उनसे थोड़ा थोड़ा फंड भी मिलता है, स्पॉन्सरशिप की बात आगे चलती है अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो, प्लस आपको अटेंडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम, तो ये चीजें होती है जो एक एथलीट को चाहिए बढ़ने के लिए आगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर कॉलेज देगी कि आपको हर दिन आना है या फिर हर दिन आपको पढ़ना है, तो फिर एथलीट बहुत प्रेशर के अंदर कहाँ कब करेगा प्रैक्टिस, बट डीयू के अंदर ये चीज़ समझी जाती है। मैं लास्ट में ही पढ़ता हूँ एक्चुअली, उससे पहले मतलब फुल फोकस इसके अंदर ही रहता है, अगर आपको करना है तो वही करना पड़ेगा, 90% मेरा एथलेटिक्स और 10% मेरा स्टडीज़ है, लाइक बिल्कुल हाँ वो चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है, 10.79 आ चुकी है, और शायद सर का मेरे गुरकरण सिंह सर हैं, अगर उनका साथ और रहा आगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट, इट्स बीटेबल।